नमस्ते, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कस्बे के पंचायत वाले मैदान में हमने औरतों के लिए पाठशाला खोली है। आप वहाँ बिना पैसे दिए पढ़ने आ सकती हैं। पढ़ेंगी लिखेंगी तो आगे आने वाले समय में बहुत चीजों में मदद मिलेगी, जैसे हिसाब किताब, आपके बच्चों की पढ़ाई। अरे उस्ताद जी, नजरें बूढ़ी हो जाएंगी पर वह ना होगी जिसका इंतजार करने लाग रहे हैं। मन ने तो ऐसा लग गया, छोटी वाली तो बढ़ गई कॉलेज और वह बड़ी भी मेहंदी लगा के पाँव में बैठ गई। मन ने तो ऐसा लग रहा है कि वह आड़े ते तो ना गुजरेगी। अरे उस्ताद जी, क्या गलती हो गई? बिना दिमाग के बात करना भी गलती हो वैसे। अब देरी से आए चाहे पहले आए, इंतजार तो करना पड़ेगा मन ने। यो तो ठीक से उस्ताद जी, पर उस्ताद जी कल तो वह अपने पंचायत के मैदान में पाठशाला लगा के बैठी थी। मन ने तो इसी अलग गए कि आज सवेरे सवेरे वह उधर ही चली गई, जाके पाठशाला में उड़ा रही होगी अपने कबूतर। नमस्ते, हम आपको ये बताने आए हैं यहाँ कस्बे के मैदान में हमने औरतों के लिए पाठशाला खोली है। देखिए, ये पाठशाला आपकी अपनी भलाई के लिए है। क्या आप नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख के अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखें, अपना हक पहचाने? आप एक बार पाठशाला आइए तो सही, मुझे पूरा विश्वास है कि। ए छोरी, खबरदार, जो मेरी लुगाई के मन में आग लगाने की कोशिश करी तो दोबारा दिखना मत मेरे दरवाजे पे। चलो अंदर। मैं क्यों करूं पढ़ाई लिखाई? मास्टरनी बनना सेके मैंने, और तू इसके साथ साथ तू भी बावरी बनी घूम रही से। सारी जिंदगी नुए पंचायत करते काटेगी क्या सुनीता? जीवन जीने के लिए आदमी के सहारे की जरूरत पड़े से? यहाँ तो कोई मिलने तेरे आ, किसी और कस्बे में जाकर दूसरा आदमी ढूंढ ले, नहीं तो बुढ़ापे में रोटी खिलाने वाला कोई ना मिलेगा तन्ने। हमारा सुधार करने से पहले अपना तो सुधार ले बावली। आप जानती है ना,
औरत का एक रूप दुर्गा माँ भी है। जिन्हें शक्ति की देवी कहा जाता है। तो फिर आप एक औरत होते हुए इतनी बेबस और लाचार कैसे हो सकती हैं कि मर्द का सहारा लिए बगैर जिंदगी नहीं जी सकती? और कैसा सहारा जहां पे सिर्फ थप्पड़, गालियां और लाते हो? औरत मर्द को जन्म देती है। पैदा करती है, पालती है, पोसती है, जीना सिखाती है उसे। ऐसी है औरत की शक्ति। सदियों से परंपरा और नाम सम्मान के नाम पर मर्द औरत को पढ़ने नहीं देते कि कहीं औरत अपने हक ना पहचानने लग जाए। जैसे गायें और बकरियां रोटी के लालच में गुलामी करती रहती है ना, ये लोग चाहते हैं कि आप भी इनकी ऐसे ही गुलामी करें। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, तकलीफ नहीं होती आपको? दर्द नहीं होता जब छोटी छोटी सी बात पर आपको मारा जाता है, हाथ उठाया जाता है आप पर? जिन बच्चों को आपने पैदा किया, आपकी अपनी औलाद, उनकी जिंदगी का फैसला करने का भी हक नहीं मिलता आपको? ये तो बहुत बड़ा फैसला है। आपको तो इतना हक नहीं दिया जाता कि आप ये फैसला कर लें कि कौन सी दुकान से राशन खरीदना चाहिए। आपका अनपढ़ होना और हिसाब किताब ना करने आने को बहाना बनाकर आपके पति खुद ही खरीदारी कराते हैं। ये सहारा है या गुलाम? अपने दिल से पूछिए। अम्मा जी, क्यों हो गया कृपा सिंह? इसे के सांस उखड़ रहे हैं तेरे। अम्मा जी, वो डॉक्टर की छोरी ने तो कस्बे में बड़ा उधम मचा कर रखा है। इब के तो उसने हद ही कर दी। औरतों को पढ़ावन खातिर पाठशाला खोल रखी से। औरतों के मना में मर्दा के खिलाफ जहर घोल रही से। जे मजाल, अम्मा जी इब तो आप रोकोगी तो भी रुकूंगा नहीं मैं। टाइम रहते अगर इसको कुचला नहीं गया अम्मा जी, तो जे वीरपुर का नाम माटी में मिला के छोड़ेगी। अम्मा जी, आप एक बे इशारा तो करो, उस छोरी की ऐसी हालत करूंगा कि खेता में उसकी हड्डियों का चूरा बिखरे पड़े मिलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे उसने धमकान ते के सूरज पश्चिम तक उगन लागेगा। फूलमती, वीरपुर है यो, यहाँ की लुगाइयां ने अपनी हद मालूम है। आदमी की मर्जी के बिना तो ये मरने में भी डरे हैं। पाठशाला के जाएंगी। रे छोरी, सुना है भाषण तो बहुत बढ़िया दिया तन्ने, पर इस कस्बे की लुगाइयों पर तेरा कोई जोर ना चढ़ने का। कोई दुखने तक ना आवेगी तेरी पाठशाला में। अरे छोरी,
तू एक काम कर, ताश खेलना सीख ले मारे से। और ये बैठे बैठे के करेगी, एक दो हाथ जमा लेना, कवे तो तेरे पाठशाला में आके तेने ताश खेलना सिखा जावा। दीदी रुको, मैं चलूंगी आपके साथ आपके पाठशाला में। आपकी बात ना मेरी बुद्धि में बैठ गई से। और अब मन्ने अनपढ़ और गवार बनके नहीं जीना। मने अपने हक अपने अधिकार जानने हैं। हो सके है कि कल मेरी छोरी होवे, कर मेरे भीतर पढ़ाई लिखाई की शक्ति ना होवेगी। तो कैसे लड़ूंगी अपनी छोरी के खातिर? कैसे दिलाऊंगी उसे जीने का हक? ये बात तो तय दी थी कि मैं अपनी छोरी ने पुरुषों ने बनाए झूठे रिवाजों और परंपराओं की बड़ी तो न चढ़ने दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, पर पढ़ाई लिखाई तो मेरी ताकत बनेगी ना दीदी। मैं पढ़ाई करूंगी। देखा आप लोगों ने, ये है मेरी पाठशाला की पहली विद्यार्थी। इस कस्बे में बदलाव के तूफान का पहला झोंका। ये तो शुरुआत है, अब यहाँ बहुत कुछ बदलेगा। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि मेरे साथ कोई नहीं आएगा, जरा से भी शर्म हो ना तो चले जाएं यहां से और अपना काम करें।